हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस तरह का डिज़ाइन वाला डिज़ाइन बताने जा रही हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इस तरह से प्लेन बना लिया है और ये 7-7 फंदों का डिवाइडर है। इसमें बीच में 7 फंदे हैं और एक एक नीडल जो है वो हमने आगे कर लिए। अब जो नीडल आगे की है उसके दोनों साइड से हम एक एक नीडल खाली कर लेंगे इस तरह से। जितनी भी नीडल हमने आगे की थी उसके दोनों साइड हमने एक एक नीडल जो है वो खाली कर लिया है। अब जो खाली नीडल की हुई है उसको हम आगे कर लेंगे और जो पहले से ही आगे है, बिल्कुल आगे की हुई नीडल, उसको हम आगे ही रहने देंगे और गैरेज को इस तरह से सेट कर लेंगे जो आगे वाली नीडल है वो ना बने। ये वाली हुक हम पीछे कर लेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। ये वाले नहीं बनानी है, जो पीछे वाले हैं हमें वही बनाने हैं। तो इस तरह से एक सिलाई लगा ली हमने। अब जो जाली की तरह बना हुआ है इस नीडल को फिर से हम खाली कर लेंगे। जो पहले हमने खाली की थी दोनों नीडलें उनको फिर से हम खाली कर लेंगे और उनको इस धागे के ऊपर से आगे करेंगे इस तरह से, और इसको थोड़ा पीछे कर लेंगे। जो पहले से आगे की हुई है इसको हम थोड़ा पीछे कर लेंगे ताकि वो बनाने की पोजीशन में आ जाए। और हमें जो खाली नीडल है उसको हम जो धागा हम अभी जैसे इसको हम आगे ट्रांसफ़र कर लेते हैं इस धागे को, इसके बाद ये जो खाली नीडल है उनको आगे करेंगे। तो जो खाली जो धागा है उसके ऊपर से हमें नीडल को आगे लेके आना है इस तरह से। और आप 5 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। 5 सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर से इसी नीडल के दोनों साइड हम एक एक नीडल आगे खाली कर लेंगे जो नीडल हमने पहले आगे की हुई थी, और इस नीडल को हम आगे कर लेंगे इस तरह से। बीच में हमारे 5 फंदे रहेंगे और एक एक खाली रहेंगे, टोटल 7 फंदे हो जाएंगे इस तरह से। ये 5 है और एक एक खाली है। जिसके दोनों साइड नीडल खाली है उसको हम आगे कर लेंगे और फिर से इस धागे को हम साइड वाली, मतलब जो आगे नीडल की है उसके दूसरे नंबर की नीडल पे इस तरह से लगा लेंगे। और अब जो खाली नीडल हुई है उसको हम धागे के ऊपर से आगे कर लेंगे। पहले इस तरह से हम पहले आगे कर लेते, इनको ट्रांसफ़र कर लेते हैं धागे को इस तरह से। अब धागे को ऊपर से ये खाली नीडल को आगे कर लेंगे और जो आगे नीडल की हुई है पहले से उसको थोड़ा पीछे कर लेंगे बनाने की पोजीशन में, नहीं तो अगर उसको आगे ही रखेंगे तो वो नहीं बनेगी। अब फिर से हम 5 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। 5 सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर से हम जो नीडल हमने आगे की थी पहले उसके दोनों साइड से हम फिर से एक एक नीडल खाली कर लेंगे यहाँ पर भी, और गैरेज की हमारी वही सेटिंग है कि जो आगे जिस नीडल को हम आगे करेंगे वो नहीं बनेगी इस तरह से। अब जो बीच वाली नीडल है उसको आगे कर लेंगे और जो दोनों साइड से खाली नीडल है उसको थोड़ा सा आगे कर लेंगे ताकि बनाने की पोजीशन में आए। अब फिर से इन दोनों नीडल को हम वैसे ही खाली कर लेंगे इस तरह से और धागे को ऊपर से फिर थोड़ा आगे कर लेंगे और जो आगे वाली नीडल है उसको थोड़ा सा पीछे कर लेंगे ताकि वो बनाने की पोजीशन में आ जाए। अगर उसको हम आगे ही रखेंगे तो वो नहीं बनेगी इस तरह से। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम नीडल जो खाली नीडल है उसको आगे करेंगे तो जो धागे के नीचे से नहीं करना है, उसको धागे के ऊपर से आगे करना है इस तरह से। थोड़ा सा प्लेन बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि हमारा डिज़ाइन किस तरह से बन के आया है। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन जो है वो बन के आ गया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।